एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने जी स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज के इस अंक में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाले हैं, तो बिल्कुल इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है ये, और ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके करियर से संबंधित है। सपने तो देखें पूरा भी होगा, तो जैसा कि आप स्टेटमेंट में देख पा रहे होंगे, सपने तो देखें और पूरा भी होगा। एटलीस्ट यहाँ पे हमारे कहने का सेंस है कि आप सपनों को देखना शुरू करिए, क्योंकि सपने देखने के बाद ही जो है उसके ऊपर आदमी काम करता है, या सपनों के ऊपर जो है वो मेहनत करता है और फिर वो अपने सपने पूरे भी कर लेता है। तो आपका क्या सपना है, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपका सपना क्या है, आप क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं जिनके सपने हैं गवर्नमेंट जॉब्स, सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो IAS हो, PCS हो, टीचर बनने के लिए टेट निकाल के टीचर बनना हो, या लेखपाल बनना हो, ठीक है, लेखपाल अधिकारी बनना हो, उत्तर प्रदेश पुलिस में जाना हो कांस्टेबल के तौर पे, या उत्तर प्रदेश दरोगा के तौर पे, या जो कर्मचारी चयन आयोग है SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो उसके माध्यम से, या फिर जो है आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है और बहुत सी पोस्ट हैं वो बनना हो आपको, या आपको रेलवे की सर्विस में जाना हो, स्टेशन मास्टर है, गुड्स गार्ड है, बहुत सी जॉब्स हैं। इसके अलावा और भी है, जैसे समीक्षा अधिकारी है, तो जितने भी ये जॉब्स हैं, अगर आपका भी सपना है इस फील्ड में, तो ये बिल्कुल आपके लिए यूनिक चीज़ आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अति आवश्यक चीज़ मानी जाएगी, ठीक है। चलिए एक चीज़ तो और आपको बताते हैं कि यहाँ पे हमने थंबनेल में जो लगाया हुआ इंटरमीडिएट पास या स्नातक पास, तो ये रियलिटी है कि अगर आपने इंटर कर लिया है, 10+2 आपने कर लिया है, इंटरमीडिएट की परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर ली है, चाहे वो कितने भी प्रतिशत से हो, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स, जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं सर हमने तो 8 से किया है और हमारे परसेंटेज भी 50% के आसपास हैं, या मान लीजिए 40% है सपोज दैट, तो हम क्या सपना देखें, हमारे लिए क्या सपना है, हमारे लिए कौन सी गवर्नमेंट जॉब है, जबकि इतने जो कह सकते हैं कि आप जिन्होंने PG कर रखी है, PhD कर रखी है, अच्छे मार्क्स हैं, 70-80 डिटेंशन मार्क्स से किया हुआ है, उनका नहीं कुछ हो पा रहा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सपने देखिए, ठीक है, आपके लिए सपने हैं बिल्कुल, और आप जो सोच रहे हैं वो सपने हैं, बस थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको गाइड करेंगे कि अगर आप 10+2 ओनली, यानी आपने केवल इंटरमीडिएट किया, तो आपके लिए सपने जो हैं किस फील्ड में हो सकते हैं, किस फील्ड में आप सपने देखेंगे, तो वो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा और आप उसमें सक्सेस हो सकते हैं। और अगर आपने स्नातक कर लिया है तो आपकी कौन कौन सी फील्ड होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ें भी बताने वाले हैं कि गवर्नमेंट जॉब का जो एक सिनारियो है, यानी जिसमें कि ये माना जाता है कि गवर्नमेंट जॉब एक बहुत अच्छी तैयारी चाहिए, बहुत अच्छे परसेंटेज हो, बहुत अच्छी अगर से आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो या 10+2 कर रखा हो, आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग हो, आप एक बड़े इंस्टीट्यूट में कोचिंग ज्वाइन कर रखी हो, दिल्ली गए हो, इलाहाबाद गए हो, तैयारी की हो, तब जाके आपका गवर्नमेंट जॉब में होता है। या फिर कुछ लोगों का कहना रहता है कि आपका अच्छा लिंकअप हो, अच्छे पैसे हों आपके पास, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप, फिर हम आपको यही बात बताना चाहेंगे कि सपने की बात है यहाँ पे, अगर आपने सपना देख लिया है, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स आपको भी हम बताने वाले हैं, अगर आपने वास्तव में सपना देख लिया है, ठीक है, तो उस केस में आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन सपना तो देखिए आप, सपना देखिए हाँ, लेकिन यह कि सपने का एक कह सकते हैं कि शेड्यूल होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने 10+2 किया है, तो 10+2 के बेस पे जो सपने हो सकते हैं उसको देखिए। तो ये इस वीडियो का मकसद यही कि आपको हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दें, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी तक अगर आपने नहीं किया है जो भी सपने देखने का काम है, या फिर आपने अभी तक सोचा नहीं है, तो बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल सही समय है। अगर आप पहले सोच के चल रहे हैं तो उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। क्या इम्प्रूवमेंट करना है आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपने सपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जल्दी सपने देखना शुरू करिए, ठीक है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद से आप सपना ज़रूर देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि अपना सपना क्या है, और हम आपके सपने में पूरा कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। इस चैनल के माध्यम से आपकी जितनी सपोर्ट हो सकती है, चाहे वो प्रिपरेशन के माध्यम से हो, चाहे वो किसी की गाइडेंस के माध्यम से हो, या नोट्स के लिए हो, या फॉर्म कैसे भरना है, कौन सा फॉर्म भरना है, क्या तैयारी करें, कैसे तैयार करें, जो भी A to Z आपको जो भी सॉल्यूशन चाहिए आपको हम इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक टीम भी हम जोड़ रहे हैं इसमें, इस टीम के माध्यम से भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और कुछ स्टूडेंट्स भी जो भी सेंटर्स पे हैं, और भी जगहों पे सेंटर्स, लखनऊ के सेंटर्स पे जो स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं, गोरखपुर के सेंटर्स पे स्टूडेंट्स जो पढ़े हुए हैं, उन स्टूडेंट्स की टीम और वहाँ के टीचर्स की टीम के माध्यम से भी हम बहुत सी चीज़ें आपके लिए लेके आने वाले हैं।
ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, जिसको आपके लिए समझना अति आवश्यक है। तो चलिए अभी चल लेते हैं इस वीडियो के आगे पॉइंट पे चलते हैं और समझते हैं कि क्या है सपने देखने की राह। जैसा कि आप यहाँ थंबनेल में भी देख रहे होंगे IAS, PCS, स्टेट लेखपाल, UPP, तो कुछ रिगार्डिंग टू इसी तरह से, यानी एक तरह से कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब का सपना है मेरा। तो गवर्नमेंट जॉब में भी आपको सपना ये क्लियर करना है कि आपका सपना है क्या, क्योंकि फील्ड बहुत ब्रॉड है गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है, सरकारी नौकरी की फील्ड बहुत ब्रॉड है। और एक चीज़ और, अगर बाय द वे आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं जाना चाहते, वैसे तो 99% जितने भी स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, तैयारी करते हैं, तो उनका सपना होता है कि हाँ मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिले, क्योंकि वे एक तो सिक्योर है, दूसरा आपको देश की सेवा करने का मौका मिलेगा, और तीसरा ये है कि आप एटलीस्ट अपने बाकी सपने जो भी हैं, चाहे आप कुछ भी करना चाहते हो, कोई नई चीज़ करना चाहते हो, या अपने परिवार की स्थिति, या जो भी चीज़ें आप बेस्ट करना चाहते हो, वो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म देता है। एक तो ये हो गया, इसके अलावा और बहुत से रीजंस हैं जिसके चलते कि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो आइए चलते हैं आगे, हम देखते हैं सपनों की जो राह है वो किस प्रकार से है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखेंगे, थोड़ा सा इसको समझिए, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं, जो कि आप आज तक शायद ऐसा ना सोचे हों। ये भी हो सकता है कि आपकी सोच आज से बदल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जो भी यहाँ पे स्टूडेंट इंटरमीडिएट पास हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट पास है मतलब पास हैं, यानी यहाँ पे किसी भी कह सकते हैं परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, किसी भी परसेंटेज की बात हम यहीं यहाँ पे कर रहे हैं, विदाउट परसेंटेज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए, जिन्होंने भी इंटरमीडिएट किया हुआ है, 10+2 किया हुआ है, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हों, यूपी बोर्ड से हों, CBSE बोर्ड से हों, ICSE बोर्ड से हों, एनी हाउ किसी भी स्टेट बोर्ड से हों, बिहार स्टेट बोर्ड से हों, किसी भी दर, यानी यहाँ तक कि आप अगर डिस्टेंस, यानी जो NIOS 10+2 करा था वहाँ से भी आपने अगर पासिंग मार्क्स, यानी आप 35% भी मार्क्स अगर पाए हैं, तो भी आपके लिए ये रास्ते खुले हुए हैं, बिल्कुल इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए आप क्या क्या सपने आपके हो सकते हैं, आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें। और एक चीज़, आप वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपको बताएंगे अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हैं, बाई द वे मान लीजिए, वैसे तो करनी चाहिए, ठीक है, अपने आप को प्रूफ करना चाहिए, लेकिन बाई द वे अगर आप नहीं चाहते हैं इस फील्ड में जाना, तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे एक बार उन सपनों के रास्ते बताने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, एक तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो भी इस समय की, वो है लेखपाल, ठीक है। जैसा कि आप न्यूज़ में देख रहे हैं, चारों तरफ न्यूज़ में ये चीज़ छाई हुई है, और लगभग पिछले 2 सालों से लेखपाल की वैकेंसी काफ़ी, एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ पेज फंसता जा रहा है, लेकिन आप जानते हैं अब इसका रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है, अध्याचन भी जा चुका है, इसका सब कुछ हो चुका है A to Z। अब ये वैकेंसी आपकी अगस्त या सितंबर, लेटेस्ट आपके सितंबर तक आ ही जानी है, क्योंकि एक और अच्छी, एक और बड़ी चीज़ है, यूपी गवर्नमेंट को जितनी भी वैकेंसीज थी उनको बहुत ज़्यादा झटका लगता जा रहा है, तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि कोई तो वैकेंसी एटलीस्ट जल्दी से क्लियर करें। और 2022 के स्टार्टिंग में चुनाव भी है, तो जो भी करना है वो 2021 तक हो जाना है। अगर नोटिफिकेशन अभी आएगी, फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जामिनेशन होंगे, तभी हो पाएगा। हाँ, एक चीज़, कुछ स्टूडेंट्स के मन में, सर कोविड के चलते तो बहुत ज़्यादा ये हर जगह कोई वैकेंसीज को ब्रेक किया गया है, एग्जाम्स रोके गए हैं, तो एक चीज़ निश्चित समझिए कि जो कोविड वाली समस्या थी वो जुलाई तक है। जुलाई जैसे ही समाप्त होगी, वैसे ही ये समस्या का जो निराकरण हो जाएगा, वैक्सीन लगभग मार्केट में आना शुरू हो जाएंगी और इसका प्रभाव कम हो जाएगा, क्योंकि इस तरह की पहले की भविष्यवाणी भी है और वो सही भी जा रही है बिल्कुल। अब मामले थोड़ा बहुत सही होना शुरू भी हो जाएंगे धीरे धीरे, इस तरह से ये समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आपने केवल इस समस्या को लेके ये सोचा कि अब बस ये समस्या है, चल रही है, कोई परीक्षा नहीं, एग्जाम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो फिर इस तरह से नहीं होता है। पॉजिटिव लेके चलना है आपको, ठीक है, पॉजिटिव लेके चलना है। और आपको अभी हम बताएंगे कि ये आपके लिए किस प्रकार से वरदान साबित हो सकता है, ये लॉकडाउन रहा है या जो ये जो समस्या है, ये समस्या कैसे आपके लिए वरदान साबित हो सकती है, ये आपके ऊपर है, कैसे होगा ये हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए, 10+2 अगर किसी ने कर रखा है, चाहे वो किसी से कर रखा हो, आर्ट से कर रखा हो, साइंस से कर रखा हो, बायो से कर रखा हो, किसी भी फील्ड से कर रखा हो, तो वो लेखपाल के लिए एलिजिबल है, परसेंटेज की कोई बाउंडेशन नहीं है। इसके लिए बस आपको कितना इतना करना है कि आपको सपना देखना है कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, यूपी गवर्नमेंट में जाना है, लेखपाल मुझे बनना है, एक तरह से ऑफिसर रैंक की जॉब है ये, ठीक है, और 10+2 बेसिस पे है। इसके लिए इतना करना है कि आपने सपना देख लिया, अब तैयारी के लिए आप लगिए। और तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए कहीं कोचिंग सेंटर, ये नियम कह रहे कि आप यहाँ जाइए वहाँ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब कुछ A to Z यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और बाकी आपकी लगन होनी चाहिए, तभी जाके ये सपना पूरा होगा।
दूसरी चीज, अब बहुत से जो छात्र हैं उनको उनका मन है उत्तर प्रदेश पुलिस यूपीपी में जाने का, तो 10+2 अगर बेस पे हैं तो आप कांस्टेबल पे जा सकते हैं, यूपीपी कांस्टेबल हो सकते हैं बिल्कुल, और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इसमें, क्योंकि यूपीपी की लगभग 30 से 35 हज़ार वैकेंसीज वेट कर रही हैं, और वो वैकेंसी भी बहुत जल्दी ही आपकी अपडेट होके आ जाएंगी, तो बहुत अच्छा चांस है, ठीक है, बहुत ही अच्छा चांस है। लेकिन इसके लिए भी अगर आपका आपके पास अपना है, आपके पास कोई ड्रीम है, तभी आप इसको लेके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज केवल ये सोच लेने से कि हाँ मुझे इसमें जाना है और एक नॉर्मली ठीक है कहीं से भी देख रहे हैं कुछ भी कर, इसके माध्यम से नहीं हो पाएगा। आपको इसके लिए बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये करना है, मेरा ये सपना है, आपको ड्रीम बनाना होगा, ठीक है। चलिए अगली चीज़ देखते हैं, एसएससी की बात कर लेते हैं। एसएससी में देखिए 10+2 के फॉर्म भरे जा चुके थे, उसका उसकी उसके एग्जामिनेशन परीक्षाएं भी चल रही थी, लेकिन जिसको स्थगित किया गया है। लेकिन आप जानते होंगे 2019 का फॉर्म था, अब 2020 में भी फॉर्म आएगा, तो 2020 का भी फॉर्म आपका कोविड के चलते थोड़ा डिले हो गया, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर तक देखने को आपको मिल जाएगा एसएससी का फॉर्म, 10+2 वाला भी मिल जाएगा, और एमटीएस भी मिल जाएगा। एमटीएस 10th के बेसिस पे होता है, क्लास 10th के बेसिस पे एमटीएस होता है, और 10+2 के बेसिस पे सीएचएसएल होता है। ये दोनों वैकेंसी मिला के, कुल मिला के 25 से 30 से 40 हज़ार अपडेट और हो सकती हैं, इतनी वैकेंसीज आपकी यहीं पे रहती हैं लगभग लगभग हर साल। तो इस बार आपके पास ये भी एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप केंद्र सरकार के जॉब में जाना चाहते हैं, कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जाना चाहते हैं, और आपके पास क्वालिफिकेशन 10+2 तक है, तो आप बिल्कुल ये सपना देख सकते हैं और आप इस सपने को पूरा भी कर सकते हैं। बहुत स्तर तक कहेंगे कि ये आपके लिए काफ़ी आसान होगा, लेकिन फिर बात वही आती है, कितना भी आसान हो या कितना भी मुश्किल हो, इसके लिए आपका एम निश्चित होना चाहिए, आपका सपना होना चाहिए। अब बात करते हैं रेलवे के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स रेलवे की फील्ड में जाना चाहते हैं, रेलवे की सर्विस में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए जैसा कि जानते हैं कि रेलवे ने फॉर्म निकाला था, 35,000 वैकेंसी थी लगभग, जिसमें कि एटलीस्ट कह सकते हैं कि आप 35,000 वैकेंसी थी, उसमें 12 से 13 हज़ार वैकेंसी जो है 10+2 लेवल पे है, ठीक है, आप 12,000 ही मान के चलिए, 12,000 वैकेंसी 10+2 लेवल पे है, बाकी वैकेंसी जो है वो आपकी ग्रेजुएशन बेस पे है, ठीक है। तो यानी वो स्टूडेंट जो जिन्होंने फॉर्म भर लिया हो, तो ठीक ही है, इसके बाद आगे वैकेंसी आने वाले हैं तो उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा एक अफवाह भी बहुत ज़्यादा जो चैनलों के द्वारा या कह सकते हैं न्यूज़ में कहीं थोड़ा बहुत वायरल हो जा रही है कि वैकेंसी कट ऑफ की जाएगी, वैकेंसी कम की जाएगी। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हाँ एक चीज़ कहेंगे कि वैकेंसी फ्यूचर में वैकेंसियाँ कम कर दी जाएंगी, धीरे धीरे वैकेंसियाँ कम की जाएंगी, क्योंकि रेलवे थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है और बहुत सी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की तहत हो रहा है। तो लेकिन आपको तो अभी सपना देखना, अगर आपने अभी सपना देखा तो आने वाले 2-3 सालों में आप उसमें अपना करियर फाइनल कर सकते हैं, जब तक कि ये फाइनली प्राइवेटाइजेशन होगा या जब तक कि ये वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम होंगी उसके पहले पहले। इसलिए तो आपसे हमने कहा कि ये समय बिल्कुल आपको चूकना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बात करें, इसमें रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी 1,00,000 आई हुई थी, उसमें भी लगभग पूरी वैकेंसी होनी है। अभी जितने फॉर्म आ गए थे, जितने वैकेंसी थी, जो स्टूडेंट फॉर्म भर दिए हैं, तो अपने उस सपने को साकार करने के लिए बिल्कुल आज से लग जाइए। और आपको हम बता ही चुके हैं कि आपको किसी भी A to Z प्रिपरेशन से लेके गाइडेंस तक की, फिजिकल तक की, किसी भी फील्ड में अगर आपको उसकी जानकारी चाहिए या उसके लिए आपको मटेरियल चाहिए या स्टडी के लिए वीडियोस चाहिए, तो आपको सब कुछ इस चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, हम यहाँ पे कोई चार्ज वहाँ पे नहीं लगाने वाले। जैसे कि आप जानते हैं कि हाँ ठीक है, आप ये कोर्स परचेज कर लीजिए, बहुत से नेट पे आप सर्च करेंगे, बहुत से कोर्स परचेज मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं हम करने वाले हैं, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके अलावा बात करते हैं असिस्टेंट की, तो यूपी में भी बहुत से असिस्टेंट की पोस्ट 10+2 पे आती है, यूपी उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी असिस्टेंट की जॉब बहुत सी आती हैं, यूडीसी की जॉब आती हैं, क्लर्क की जॉब आती हैं, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, इन सब में भी 10+2 और ग्रेजुएशन बेस पे ये वैकेंसीज आती रहती हैं। तो ये सभी जो चीज़ें हैं, ये सभी आपके सपने हो सकते हैं। इसके अलावा और भी छोटे मोटे मिला के फॉर्म हर साल 10 से 12 हज़ार वैकेंसीज आपकी आती ही रहती हैं, ठीक है। तो केवल इंटरमीडिएट स्तर की हमने बात की है, हाँ अगर इंटरमीडिएट के बेस पे आप जाना चाहते हैं टीचिंग में, तो उसके लिए भी ऑप्शन है, 10+2 के बाद आप ग्रेजुएशन जरूर कर लीजिए, साथ में आप NIOS का DLED भी कर लीजिए। इसकी इन्फॉर्मेशन भी हम आपको आने वाले समय बताएंगे कि ये फॉर्म कब आ रहा है, कैसे भरना और क्या करना है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि ग्रेजुएशन बेस पे, स्नातक के बेस पे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो क्या है।
देखिए, स्नातक अगर आपने कर रखा है, स्नातक में आपका ग्रेजुएशन यानी बीए हो सकता है, बैचलर ऑफ आर्ट हो सकता है, बीएससी हो सकती है, बीकॉम हो सकता है, इसके अलावा बीसीए हो सकता है, ठीक है, बहुत से बैचलर कोर्स हैं, वो सभी कोर्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जितने भी बैचलर कोर्स हैं, जो भी डिग्री कोर्स हैं। अगर आपने उसमें से कोई भी डिग्री कर रखी है तो आपके सपने और ऊंचे हो सकते हैं, आप और ऊंचे सपनों की तरफ जा सकते हैं। वो क्या है तो देखिए, लेखपाल आपके लिए भी है, यूपीएसआई, तो उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा, जो दरोगा की पोस्ट होती है, इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर पोस्ट होती है, उसकी वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आने वाली है। तो उसमें आप अपना करियर अगर तलाश रहे हैं तो बिल्कुल आप अपना सपना आज ही बना लीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत जल्दी विद इन मंथ मतलब अगस्त तक आ जाएगी, और इसकी वैकेंसी आपको ये मान चलिए कि 2021 के मार्च वर्ष तक इसको फाइनल कर लेना है सब कुछ करा के, ठीक है। जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो यूपी दौरा की वैकेंसी 2016 वाली थी वो कैंसिल हो गई है, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा झटका लगा है और गवर्नमेंट बहुत जल्दी इसको करने के मूड में है कि जल्दी से इसको फाइनल कर लिया जाए, और वैकेंसी काफ़ी लंबी है। इसके साथ साथ आप एसएससी के एमटीएस की तैयारी कर एमटीएस कर सकते हैं, सीएचएसएल कर सकते हैं और सीजीएल भी कर सकते हैं, तीनों एसएससी के तीनों लेवल आप यहां पे कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट हैं तो। इसके अलावा रेलवे में आपने एनटीपीसी अगर भरा है, ठीक है, ग्रुप डी है, तो जितनी ये वैकेंसीज हैं सबके लिए आप एलिजिबल हैं। आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, तो समीक्षा अधिकारी की पोस्ट आप जानते हैं, एक तो हाईकोर्ट की आती है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की आती है, एक आपकी उत्तर प्रदेश की सचिवालय की आती है, और भी बहुत सी समीक्षा अधिकारी की पोस्ट आती रहती हैं, इन सभी पोस्ट्स के लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन बस इतना है कि आप एलिजिबल तो हैं, लेकिन सपना आपको देखना है कि आपको ये बनना है, और अगर आपने सपना देख लिया तो निश्चित तौर पे आप उसको पूरा भी कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज की अगर बात कर लें तो ये थोड़ा बड़ा सपना कह दीजिएगा, बहुत बड़ा सपना एक तरह से माना जाएगा, लेकिन हाँ सपना बड़ा ज़रूर है, लेकिन आप देख सकते हैं और इसको पूरा भी कर सकते हैं। और आपको हम फिर से एक बता दें कि ज़्यादातर स्टूडेंट ये समझते हैं कि मैंने तो ग्रेजुएशन की हुई है, वो भी पढ़ा नहीं है, सही से ग्रेजुएशन कर लिया केवल, तो क्या मैं बन सकता हूँ? नहीं बन सकता हूँ, इसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स में पढ़ना पड़ता है, अच्छी तैयारी होनी होती है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके हम एग्जाम्पल्स आपको बता दें, बहुत से एग्जाम्पल्स इसके आपके सामने मिलेंगे, आपको डेली न्यूज़पेपर पे आप देखेंगे तो। अभी देखिए पिछले ही साल जो है, यहाँ पे नाम हमने यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ये कोई ऑप्शन बन सकता है, तो एक स्टूडेंट थे जिन्होंने जो है मजदूरी करते हुए आईएएस में जो है 7वां या 8वां रैंक निकाला था, ठीक है। मजदूरी करते हुए आप समझ सकते हैं कि जो स्टूडेंट मजदूरी कर रहा है, ठीक है, लेबरिंग कर रहा है, लेबरिंग करने के दौरान स्टडी करके उसने निकाला है, तो इसका मतलब है कि ये सपना भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आपने सपना देख लिया है तो आप पूरा कर सकते हैं, बशर्ते एक ही चीज़ है कि आप सपने को अगर देख लिए हैं तो बिल्कुल बिल्कुल फर्म हो जाइए, बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लीजिए। और एक चीज़ और, सपना आपने अगर देख लिया है तो उसको पूरा करने का जज्बा रखिए, तो आप सपना ज़रूर पूरा करेंगे, लेकिन समय पे सपना देखिए। अब ऐसा नहीं है कि आज हम बता रहे हैं आपको, आपको लगता है कि चलिए ठीक है देखेंगे समझेंगे, और देखते समझते आपके कई साल बीत जाएं, तो आने वाला समय बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने वाला है, कंडीशंस चेंज होने वाली हैं, और अगर आपकी एज भी ज़्यादा हो गई, क्योंकि इसमें एज का भी बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से प्ले रहता है, इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि यहाँ पे 28 तक की एज का बाउंडेशन रहता है, अगर आपने 24-25 क्रॉस कर ली है तो आपका रैंक कम होता चला जाएगा, इसलिए जितना जल्दी हो सके अगर आप छोटी एज के, मान लीजिए 16-17-18 की एज के, तो आपकी बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कारण है क्योंकि अगर आप कम एज से तैयारी करेंगे तो आपके पास प्रेशर, आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा बिल्कुल भी, मानसिक प्रेशर नहीं रहेगा, इकोनॉमिकल प्रेशर नहीं रहेगा। तो इस केस में अगर आप 10+2 में हैं तभी से आप अपना सपना बनाइए, अगर आप 10th में हैं तभी से आप सपना बनाइए, कोई बात नहीं, अगर आप लेट हो गए तो ग्रेजुएशन में हैं सपना बनाइए, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए तो भी तुरंत अपना सपना बनाइए और अपने एम को अचीव करिए। सिविल सर्विसेज में आप आईएएस बनिए, पीसीएस बनिए, सब आप बन सकते हैं, कोई नहीं रोक पाएगा अगर आपने सपना बना लिया है तो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी पॉइंट्स और भी वीडियोज़ आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार से स्टडी करनी है, किस प्रकार से हमें सपने को अपना पूरा करना है, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं, ठीक है, आप कह सकते हैं कि ऐसे तरीके हैं कि जिनके माध्यम से आप जो है अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, और ये सपने आपके पूरे होंगे ही। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि इतना कुछ है तो क्यों इस तरह से बहुत से लोग जो हैं वो सफल नहीं हो पाए, इवन देन यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आप क्यों नहीं इन चीज़ों में आपने इन चीज़ों को फाइनल किया। तो देखिए इन चीज़ों में बहुत सी चीज़ों को यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं क्वालिफाई किया है हमने, बड़ी सी रीज़न की वजह से, या यह कह सकते हैं कि सपना एकदम क्लियर ना होने को, इसीलिए हम आपको सपने की बात कर रहे हैं कि सपना बिल्कुल देखिए, अपना विज़न क्लियर करिए,
तो एक क्लियर सपना न होने की वजह से या एक कह सकते हैं एक फर्म एम न होने की वजह से, कंफर्म एम न होने की वजह से कुछ समस्याएं रही हैं। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे आपको आने वाले बहुत जल्दी ही समय में आपको एक अच्छी कंडीशन, एक अच्छी न्यूज़ यहाँ पे हम आपको देंगे। यहाँ PCS में आप मान सकते हैं कि उसमें चयन की जानकारी आपको देंगे, ठीक है। तो ये तो रही आगे की बात, लेकिन जो हमारा एक्सपीरियंस है, ठीक है, उस पूरे एक्सपीरियंस के बेस पे और जो भी आपके टॉपर्स रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज में हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हो, उनकी जो सफलता की एक तरह से कह सकते हैं कि समरी है, उस पूरी समरी को, उस पूरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम आपको शेयर कर रहे हैं। और उस पूरी समरी का कंक्लूजन इतना ही है कि पूरा कंक्लूजन इतना ही है कि आपको सबसे पहले, कुछ भी नहीं है कि कौन सी बुक पढ़नी है, क्या पढ़ना है, कहाँ जाना है, इलाहाबाद जाना है कि दिल्ली जाना है, ठीक है, कि मुझे जो है इस स्कूल में पढ़ना है, वहाँ पढ़ना है, ये बुक पढ़नी, कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। सबसे पहले आप एक काम करिए कि आप सपना देख लीजिए, सपना ये देखिए कि आपको क्या करना है ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन और 10+2 हमने आपको बता ही दिया है। तो आप सपना देखिए, सपना देखने के बाद से आपके रास्ते बिल्कुल बनते चले जाएंगे, बिल्कुल आपको सब कुछ अपने आप मिलता चला जाएगा और फाइनली आप अपने एम को अचीव कर ही लेंगे। लेकिन सबसे पहले फिर से वही बात, सपना देखिए पहले। बाकी हम आपके लिए पूरा डेडिकेटेड हैं, आप जिस चीज़ के लिए भी यहाँ पे कमेंट करेंगे, जिस चीज़ के लिए भी आप आगे आएंगे कि मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है, मुझे किस तरह से गाइडेंस चाहिए और जो भी चीज़ें मुझे चाहिए, तो वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, एनी हाउ, चाहे जो भी मेथड हो, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये सभी पॉइंट्स थे आज के लिए। एक चीज़ आपको और बताते चलते हैं कि देखिए, अगर यहाँ पे, चलिए आगे हम लेते हैं, पेज लेते हैं नया। देखिए, अगर यहाँ पे आप गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में नहीं जाते, ठीक है, वैसे तो गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में सब लोग जाना चाहते हैं वहाँ, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर एक तो सिक्योर है, दूसरा भारत, मतलब आप अपने देश की सेवा करेंगे, और इससे भी बड़ी चीज़ कि आप एटलीस्ट अपने आप को प्रूफ करेंगे कि हाँ, मैं भी लाखों में एक हूँ। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए है कि आपको अच्छे से प्रूफ करना पड़ता है अपने आप को, ठीक है। और अगर आपने सपना देख लिया तो आप प्रूफ कर सकते हैं, ये इसके जीते जागते उदाहरण आपको बहुत ढेर सारे मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि बाय द वे, मान लीजिए आपका मन नहीं है गवर्नमेंट में जाने का, तो फिर क्या करें। तो देखिए, उसके लिए एक ऑप्शन है कि आप सबसे पहले अपने आप से एक प्रश्न पूछें कि आपकी हॉबी क्या है, यानी आप किस फील्ड में आपका ज़्यादा मन है, किस चीज़ को आप ज़्यादा लाइक करते हैं, किस चीज़ को आप ज़्यादा जो है एक तरह से कह सकते हैं कि किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, आप पसंद करते हैं उस फील्ड में जाना, तो उस फील्ड को पहले आप चूज़ कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल फॉर हम आपको बता देते हैं, एग्जाम्पल फॉर कि आप मान लीजिए मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है, 10+2 वाले बच्चे हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं है, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप PMT CPMT की तैयारी कर सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम यह आएगी कि सर, CPMT की तैयारी तो बहुत महंगा कोर्स है, बहुत सी समस्या होती है स्टूडेंट्स की, वहाँ पे जा नहीं पाएंगे, उतनी कोर्स की फीस नहीं पे कर पाएंगे। कोई बात नहीं, आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। आपके पास ऑप्शंस क्या हैं कि आप डी फार्मा कर सकते हैं, ठीक है, डी फार्मा कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, ये सब बहुत ही कम कोर्स हैं और इसमें बहुत से ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप अगर मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं और बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, बहुत कम तैयारी में और बहुत ही कह सकते हैं कि कम लागत में अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें सभी ऑप्शंस बताएंगे कि आप बहुत ही कम टाइम में, कम खर्च में आप मेडिकल में जा सकते हैं और डॉक्टर भी बन सकते हैं, मेडिकल एडवाइज़र भी बन सकते हैं। एनी हाउ, बहुत सी फील्ड है, मेडिकल की बहुत सी फील्ड है, इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसका भी जो एरिया बहुत ही ब्रॉड है, इसके लिए हमें अलग वीडियो बनाना होगा, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। दूसरी बात बताएं कि अब इसके अलावा, मेडिकल के अलावा और बहुत सी इंडस्ट्री, जैसे एक देखिए वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, ब्लॉग डिज़ाइनिंग है, ये सब में अगर जाना चाहते हैं या आप यूट्यूब पे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आपके पास एक्टिंग, आप एक्टिंग में आपका इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी एक्टिंग आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा डायलॉग बोल सकते हैं, आप सिंगिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शंस हैं। प्रेजेंट टाइम में जो वर्ल्ड है पूरा डिजिटल हो चुका है, इस समय आप कोई भी सपना अगर देखते हैं, बस कंडीशन यही है कि आप उस सपने के लिए पहले ये जान लें कि उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। वैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए क्राइटेरिया है, प्राइवेट जॉब के लिए, प्राइवेट अपने पैशन जो अगर आप किसी फील्ड का, तो उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। जैसे कि अगर आप सिंगर बनना चाहते हैं, सपोज दैट कि आप सिंगर बनना चाहते हैं, तो उस केस में कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ आपकी आवाज़ बिल्कुल सोनू निगम जैसी होनी चाहिए या इनके जैसे होनी चाहिए, उनके जैसे होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर, ठीक है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आप अगर सिंगर बनना चाहते हैं, आपके अंदर पैशन है, तो आवाज़ आप देख ही रहे हैं आज की डेट में कि
रातों रात जो है एक तरह से सिंगर फेमस हो जा रहे हैं और उनका एक करियर बन जा रहा है। तो ये पैशन होना चाहिए, अगर आपके पास पैशन है तो बिल्कुल आप उस फील्ड में जा सकते हैं। अब उस फील्ड में जाने के लिए क्या तरीके हैं, किस तरह से आप अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे लोगों के आगे, मीडिया में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो इसके लिए भी हमें एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें हम आपको रास्ते बता सकते हैं कि किस प्रकार से ये सब कुछ आप कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। मतलब बहुत सी फील्ड्स हैं यहाँ पे, ए टू जेड बहुत सी फील्ड्स हैं, बशर्ते यहाँ पे सपना आपका होना चाहिए। फिर से वही बात, सपना आपका होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको एटलीस्ट आज ही अभी इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत डिसाइड कर लेना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, सपोज दैट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं मुझे कहाँ जाना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपका इंटरेस्ट किस किस फील्ड में है। थोड़ा सा आप अपना बायो बताएं, 4-5 लाइन में अपना बायो बताएं, तो आपके लिए हम हिंट कर सकते हैं कि आपके लिए करियर की बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या होगी, आपके लिए बेस्ट फील्ड क्या होगी, और हो सकता है वो आपके लिए बेस्ट भी हो। 99% एक तरह से श्योर समझिए उस चीज़ को, क्योंकि एक तरह से कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ों को समझता है। तो यहाँ पर उस एक्सपीरियंस के बेस पर आपको जो बताया जाएगा वो बेस्ट होगा आपके लिए। बाकी होता भी यह है कि अपने आप कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, लेकिन किसी के द्वारा कहने पे हमें वो चीज़ समझ में आ जाती है, तो इसका भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसके लिए आप अपने बारे में थोड़ा सा कमेंट करें कि आपकी लाइक्स क्या हैं और आप किस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं, तो हो सकता है कि आपका करियर सजेशन आपको अच्छे से दिया जा सके। करियर काउंसलिंग की क्लासेस भी हम शुरू कर रहे हैं अपने चैनल पे ही, तो करियर काउंसलिंग की क्लासेस भी आपको इसी चैनल पे मिलेंगी, जिसमें आपको करियर के सभी ऑप्शंस, आप किस किस फील्ड में, हाई स्कूल पे, इंटर पे, ग्रेजुएशन पे, या नहीं आप मान लीजिए बाय द वे आपने क्लासेस नहीं की, आपने पढ़ाई नहीं की, उस केस बेसिस पे भी आप कौन कौन से प्रोफेशनल जगह पे जा सकते हैं, कौन कौन सी तैयारी कर सकते हैं और किस किस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं, ये सब कुछ के लिए हम आपको करियर काउंसलिंग का भी जो एक तरह से कह सकते हैं फेज हम इस चैनल पे लेके आने वाले हैं। तो देखिए इतना सब कुछ आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे या मिलेगा, ठीक है, ये सब कुछ आपके लिए आपको मिलना है। इसके लिए आपको बस करना इतना ही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब कर लें, एटलीस्ट सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि इस तरह के जब भी वीडियो हम आपके लिए बनाएं तो वीडियो आपको एटलीस्ट फ्लैश हो जाए और आप वीडियो आप तक वो पहुंच जाए, क्योंकि बहुत से चैनल्स हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डिजिटल मार्केट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस केस में अब आप डेली बेसिस पे सर्च करके, या मान लीजिए अब सबसे बड़ी समस्या ये कि टाइम नहीं है किसी के पास ज़्यादा, तो आपके पास टाइम नहीं मिला, मान लीजिए आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, आप चैनल को सर्च करके नहीं जा पा रहे हैं, तो निश्चिंत रहिए आप केवल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो आपको जैसे ही वीडियो बनेगा और अपलोड होगा वैसे ही आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वीडियो का लिंक अपने आप आपको शेयर हो जाएगा मिल जाएगा, वहां पे आप उसको खोल के कहीं भी हैं ए टू जेड उसको देख के, और आप अपने करियर के लिए अच्छा सिलेक्शन चूज कर सकते हैं, ए टू जेड कुछ भी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आज ही तुरंत अभी डिसाइड करना है, और अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट करें, कमेंट करने के बाद से अपने डिसीजन को तुरंत कंप्लीट करें, सपने को तुरंत अपना कंफर्म करें, और सपने देखने के बाद से उसको पूरा करने के रास्ते पे भी लग जाएं, ठीक है। सो एक बार फिर से आपका धन्यवाद, आपकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिल रही है इस चैनल को, बहुत सपोर्ट मिली है, और सपोर्ट के माध्यम से हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट चीज़ें आपके लिए लेके आएँ, हर एक फील्ड में आपके लिए बेस्ट ऑप्शंस लेके आएँ, और उसके लिए आपके सपोर्ट की बिल्कुल ज़रूरत है। तो सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद, एंड वेरी वेरी थैंक यू सो मच।